लेकिन रगों में जो खून दौड़ रहा है उसमें नमक तो हिंदुस्तान का ही है। खैर, मणिपुर में कल हुए उग्रवादी हमलों के बाद अब शहीद सैनिकों को सलाम किया जा रहा है। इस मामले में जांच अब एनआईए को सौंपी जा सकती है। केंद्र भी उत्तर पूर्व को लेकर अब नई नीति का ऐलान कर सकता है। मणिपुर के चंदेल जिले का यही वो इलाका है जहां गुरुवार को उग्रवादियों के हमले में सेना के 18 जवान शहीद हो गए। पिछले कई दशकों में उत्तर पूर्व में सुरक्षा बलों पर घात लगाकर किया गया ये सबसे बड़ा हमला है। केंद्र सरकार भी अब सक्रिय हो गई है। सेना प्रमुख दलबीर सुहाग इम्फाल पहुंच चुके हैं। सेना के जवानों पर हमले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को सौंपी जा सकती है। इस मामले में दिल्ली में गृह मंत्रालय के उच्च अधिकारियों और एनआईए के डीजी के साथ बैठक भी हुई। उत्तर पूर्व के उग्रवादियों को लेकर केंद्र नई नीति का ऐलान भी करने वाला है। राष्ट्रपति ने भी मणिपुर हमले की निंदा की है। उग्रवादियों के हमले में मध्य प्रदेश के रीवा से ताल्लुक रखने वाले डोगरा रेजिमेंट के सैनिक जितेंद्र कुशवाहा भी शहीद हो गए हैं। जितेंद्र का पार्थिव शरीर 6 जून को रीवा पहुंचेगा। फिलहाल मणिपुर के चंदेल में जिस जगह उग्रवादियों ने हमला किया है उस पूरे इलाके में छानबीन जारी है। दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार भी कठोर कदम उठाने का मन बना चुकी है। उत्तर पूर्व को हमेशा से देश का उपेक्षित हिस्सा माना जाता है, लेकिन अब जरूरत है इस मत को बदलने की, इलाके की स्थानीय समस्याओं को दूर करने की और मजबूत होते उग्रवादी संगठनों को सख्ती से कुचलने की। आज तक ब्यूरो।